स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सब लोग ओके? सब लोग अटेंडेंस मार्क कर लेंगे। आज भी आपका वही मतलब वही वाली रवैया है, सिर्फ 33 लोग इस वक्त मौजूद हैं इस मीटिंग। 33 लोग ही अटेंडेंस मार्क कर लेंगे, फिर इसको बंद कर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौल्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इक्वेशन
ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है कि एप्लीकेशन ऑफ बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम। टू डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि कल जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन की बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम की, जी वो बताइए, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। क्या था फिक्स पॉइंट, क्या था फिक्स पॉइंट के लिए, क्या क्या जरूरी था एग्जिस्टेंस के लिए। जी बाय रेजिंग हैंड्स। सामा हरमोन सागर, ये बताएंगे 36 ही नहीं। बनाओ फिक्स पॉइंट थ्योरम। इवनिंग ये बताएंगे बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम। सर जी, एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस था जो कि नॉन एम्प्टी था। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बोलें। एक्स नॉन एम्प्टी था सर। और टी एक फंक्शन जो एक्स अप्रोच एक्स कंट्रैक्शन कर, कंट्रैक्शन क्या होती है? कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन क्या होती है? ये फोर्थ या मेन बताएंगे व्हाट इज कंट्रैक्शन। फोर्थ या मेन लेवल व्हाट इज कॉन्ट्रेक्शन, कोई और बताओ। जी को उसने कहा था कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होना चाहिए और इसको कंट्रैक्शन होना चाहिए।
फिर वो दो ही शरारत थी देन। ऐसा ये रब तो आप बताएंगे कंट्रैक्शन क्या है। सर अलैकुम सर, हमारे पास ना एक मैट्रिक्स स्पेस है और उस पर हमने एक ऑपरेटर अप्लाई किया है जो कि इटसेल्फ होगा, और अगर वो कंट्रैक्शन होगा, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस इमेज का होगा वो लेस देन होना चाहिए सम मल्टीपल अल्फा टू द डिस्टेंस ऑफ द प्री इमेज के। ओके, आप ये बताइएगा नेक्स्ट स्टूडेंट, आपने ठीक बताया। नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जो है मैट्रिक्स स्पेस के अलावा भी सेट्स पे डिफाइन करवाई जा सकती है? कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग मैट्रिक्स स्पेस के अलावा भी किसी सेट पे डिफाइन करवाई जा सकती है? जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सर कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ मैट्रिक्स स्पेस के लिए ही होगी, सेट पे अप्लाई नहीं हो सकती। रीजन जी सर। क्या सर इसकी डेफिनेशन ही ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो मैट्रिक्स स्पेस पे अप्लाई होती है, तो फिर उसका वो लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट अल्फा इनटू मैट्रिक्स स्पेस डी ऑफ एक्स वाई। किसी हद तक आपका जवाब दुरुस्त है। इसको आप सर्च करेंगे सब लोग कि किस तरह से हम कंट्रैक्शन अदर देन मैट्रिक्स स्पेसेस पे डिफाइन करवा सकते हैं। जी सर। अच्छा, एक तो कंट्रैक्शन थी, दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने जो यूज किया था वो था कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। चले मुझे जल्दी जल्दी से बता दें, चैप्टर नंबर 1 में हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स स्पेसेस को कंप्लीट प्रूव किया हुआ है। नाम बताते जाएं, बस यहाँ टाइप करते जाते हैं बाय रेजिंग हैंड्स। चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन सी मैट्रिक्स स्पेसेस को हमने कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस प्रूव किया था, और उनके मैट्रिक का फार्मूला भी बताते जाएं। इस्लाम फिक्री अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो हमने जो मैट्रिक्स स्पेस प्रूव की थी वो थी एक सेट ऑफ और रियल नंबर्स। स्पेसेस जो मशहूर हैं वो वाली हम लिख रहे हैं। जी तो सर, थी सेट ऑफ रियल रियल। नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। जी सर, उसके बाद हमारे पास आ जाती है R2 स्पेस। इसको तो सारे बनाए जा सकते हैं और एन तक। Rn तक चीज चलती है, इसी तरह इसको Rn को Cn में भी कन्वर्ट कर लेंगे। जी इसके साथ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको जी भी सर, हमने ये कंप्लीट रियल को कॉम्प्लेक्स में भी। उसके बाद आ प्रूव जाएगी हमारे किया था। पास फंक्शन स्पेस। ठीक है, नंबर 3 CAB इसको कहा गया था, यही था ना CAB, जी सर, सेट ऑफ CAB। ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन डिफाइंड ऑन द जी इंटरवल AB, इसको ये हमने कंप्लीट किया। ठीक है, डिस्क्रीट है, इसके बाद डिस्क्रीट भी है, LP स्पेस भी है, सीक्वेंस ऑफ
बाउंडेड फंक्शन की भी सीक्वेंसेस हैं, स्पेस ऑफ बाउंडेड फंक्शंस। सॉरी, हमने काफी सारी स्पेसेस को जो है ना मैट्रिक प्रूव किया था, ऐसे ही है ना? जी सर। तो अगर हम इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन डिफाइन करवा दें, जिस भी मैट्रिक स्पेस के ऊपर, कंप्लीट मैट्रिक के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन एक आ जाए हमारे पास, तो उसका जो है वो कहता है कि फिक्स्ड पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब फिक्स्ड पॉइंट का फार्मूला फायदा क्या है, आप मुझे ये बताएंगे। आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स, चले जल्दी से मुझे बताइए इस तरह की प्रॉब्लम्स कहाँ पे सॉल्व की। cos x exactly equal to जल्दी से मुझे बता दें, sin x equal to x, tangent x equal to x, ये इक्वेशन ही है, इसको सॉल्व करना है। जी, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोगों ने कहाँ पे डिस्कस किए थे बताएगा? जी नामकुम सर, सर ये ट्रांसेंडेंशियल फंक्शंस हैं, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिस्कस किए थे जहाँ पे फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड आता है, तो इसका डेरिवेटिव वहाँ पर हम लेते थे, तो इस पर डेरिवेटिव डिफाइन करवा सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफाइन करवा सकते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पे भी आप ये क्या फाइंड कर रहे होते थे, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पे डोमेन और रेंज की वैल्यूज इनपुट और आउटपुट क्या हो रही हो, सेम हो रही हो, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये फायदा है फिक्स पॉइंट थ्योरी का, फिक्स पॉइंट आइट्रेशन का। तो आज इसको अप्लाई करने हम बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन अप्रोच कर सकते हैं कि कितने तक हमारा एग्जैक्ट आ सकता है सॉल्यूशन। नहीं नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन में तो अभी हम नहीं जा रहे, अप्रोक्सीमेशन में जब जाएंगे देखेंगे, फिलहाल तो हम एग्जैक्टली देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसको ओबे कर रहा है। जब हमने फिक्स पॉइंट थ्योरम पढ़ा तो उसमें भी हमने स्टेप बाय स्टेप इमेजेस लेते गए हैं, फिर उसकी इमेजेस लेते गए, वो इतने करीब आते गए हैं, फिर वो इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्शन का यहाँ पे लफ्ज है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, आज हम चलते हैं पहले लीनियर इक्वेशंस पे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन पे किस तरह से ऑपरेट होता है और किस तरह से हम बना फिक्स पॉइंट थ्योरम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। और सामने अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको एक नजर आ रहा है, ये वाला देखिएगा, न्यूटन मेथड भी लगाया था आपने शायद उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में। चलें सर, इसको हम आगे लेके चलते हैं। पनाह फिक्स पॉइंट थ्योरम बात कर रहे थे कि एक तो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग होनी चाहिए और उसका जो जिस कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग जिस पे अप्लाई हो रही है उसी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस होनी चाहिए, दो रिक्वायरमेंट्स थी जस्ट फिक्स पॉइंट की एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस के लिए। तो आज हम करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस पे किस तरह से जो है ना हमने लगाना है फिक्स पॉइंट थ्योरम, बना फिक्स पॉइंट थ्योरम। अच्छा, इसको थोड़ी सी थ्योरी में भी जाना पड़ेगा, हमें इसको रीड आउट करना पड़ेगा। बनाक्स फिक्स पॉइंट थ्योरम हैज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस टू आइट्रेशन मेथड्स फॉर सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो आपने काफ़ी सारे सिस्टम्स पढ़े होंगे, सफिशेंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस एंड एरर बाउंड्स, ये सारा न्यूमेरिकल में इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो आपने लीनियर सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े थे,
उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड था और इंटरेक्ट मेथड थे कुछ, इसी तरह से वो कहते हैं पीडीईज में लगा सकते हैं आप इसको, इसी तरह पीडीईज में इसकी एप्लीकेशंस है, इसी तरह कहते हैं कि इंटेग्रल इक्वेशंस में। तो हम पहले लीनियर इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं विच इज इजियर वन, तो अप्लाई बना थ्योरम। We need a complete matrix space and a contraction mapping again on it. We take the set X of all ordered n tuples. तो क्या consider कर लिया जी उसने? उसने consider कर लिया है R n के elements. X, Y, Z तीन elements हैं R n. ठीक है? n tuples किसके एलिमेंट्स हैं? Rn के। तो Rn को हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसा कि उस्मान ने हमें बताया कि Rn ऑलरेडी कंप्लीट है। तो कंप्लीट तो है, इसके ऊपर अगर हम कामयाब हो जाते हैं एक मैपिंग डिफाइन करवाने में जो कि कॉन्ट्रैक्शन भी हो, और Rn अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो आपको पता है कि इसके एलिमेंट्स पर किस तरह से, इसके कोई से दो एलिमेंट्स पर किस तरह से ऑपरेट होना है मैट्रिक्स में, ये किस तरह से होना है, एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं आर एन के, तो उससे मैक्सिमम द एक्स आई आए नाम जो भी रख लें, एक्स आई रख लें, चले हमारे पास यही है तो यही रख लेते हैं माइनस वाई, या उसने जो बुक वाले ने नाम रखे हुए हैं उसने रखे हुए हैं एक्स आई आए और ईटा आए और साई जो भी इसका नाम नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये रख सकते हैं। ठीक है, मॉडल डिफरेंस लेता जाने ने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का डिफरेंस लेते लेते उनके मॉडुलस करते जाने, मॉडुलस करते करते जो सबसे मैक्सिमम आंसर आएगा वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ आर एन। ठीक है, जारी बात है मैट्रिक्स स्पेस का है तो मैट्रिक्स का फार्मूला भी हमारे पास होना चाहिए। तो फिर हम अब डिफाइन करवाएंगे एक मैपिंग, जो मैपिंग को क्या होना चाहिए, इसी तरह वो कहते हैं एक्स और जी के दरमियान भी हम डिफाइन करवा सकते हैं। तो बुक के अगर हम देखें तो कहते हैं कि ऑन एक्स वी डिफाइन अ मैट्रिक बाय दिस वन, मैट्रिक का फॉर्मूला है। अब एक वो कंट्रैक्शन मैपिंग डिफाइन करवाएगा जिसको हमें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि कंट्रैक्शन है भी सही या नहीं है। तो मैपिंग का नाम, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आर एन से आर एन तक। चले उसने नाम एक्स रख ली है तो हम एक्स ही रख लेते हैं, एक्स नाम रख लेते हैं जिसका, x means, तो डिफाइन कैसे करवाया हुए, y ऑपरेट होगा t जो है x पर और आंसर देगा y। ठीक है, इस तरह से लिख लें या फिर किस तरह से लिख लें, y is equal to tx is equal to कैपिटल सी एक्स प्लस डी, याद है ना मैट्रिक्स फॉर्म में जिस तरह से हम लिखते थे। अब वाई आपको पता है किस तरह का, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें आपको पता है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव सो वाई एन,
ये कॉलम वेक्टर होगा और सी जो होगा कांस्टेंट्स होंगे, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, और प्लस बी एक वेक्टर होगा, फिक्स्ड वेक्टर होगा। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो हम लिखते थे लीनियर सिस्टम की, तो वो इस तरह से कहते हैं हर वेक्टर को लिखा जा सकता है। यहाँ से भी देख लेते हैं, where C is equal to CJK is a fixed real N cross N matrix and B belonging to X is a fixed vector here and later in this section all vectors are column vectors. आपको पता है कि column vector से vector को denote ही करते हैं हम column vector से because of the UEL conventions of matrix multiplication. Under what conditions will T be a contraction? तो हमने इसको contraction अब किसी तरीके से ना prove करना है, जो हमने क्योंकि Banach fixed point theorem हमने लगाना है linear system पे, linear system हम design कर चुके हैं, define कर चुके हैं, और एक mapping भी हमने खुद से define करवा दी है, किस तरह की है वो linear systems जैसी। तो लीनियर सिस्टम जैसी मैपिंग डिफाइन करवा दी, तो अब हमने उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन शो करना, ठीक है। तो ईटा वाई हमने लिख दिया, वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्साई लिख दिया, एक्स वाई जी आप देख सकते हैं, एक्स वाई जी कहाँ पे हैं, ये वैसे ही उसने नाम रखे हुए हैं। अगर इनको कंपोनेंट कंपोनेंट वाइज लिखेंगे, ये हमारा एक्स है, ये है जी एक्स जिसके एन कंपोनेंट्स हैं, हेक्साई कंपोनेंट्स, ये ईटा कंपोनेंट्स हैं, और ये साइज हैं या इनका जो भी इन्होंने नाम रखा हुआ, ठीक से नोटेशन नहीं नजर आ रहा। अच्छा, तो बी को कोई भी फिक्स्ड वेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, y में सारे क्या थे, ईटा ईटाज, तो ईटा वन आ जाएगा जी, इसके इक्वल ईटा टू आ जाएगा, इसके इक्वल ईटा थ्री आ जाएगा, इसके इक्वल, तो वो कंसीडर करके चले। अब कंट्रैक्शन शो करवाने के लिए हमें हमने क्या कंसीडर करना है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, डिस्टेंस बिटवीन y एंड w। w क्या है, w जो है इमेज है z की, और y जो इमेज है वो है z की। फिर से देख लें, w इज इक्वल टू tz, सॉरी tz, और y इज एक्चुअली इमेज ऑफ x। तो y इस तरह से लिखे जा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्साइज, और जो डब्ल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ साइज लिखे जा सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन वो एक्चुअली कैलकुलेट करने क्या जा रहा है, फिर अगेन वो कैलकुलेट करने जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए, आपको पता है जी क्या कौन से कैलकुलेट करना होता था, डिस्टेंस बिटवीन टी एक्स एंड टी वाई, द सेम लाइक वी आर गोइंग टू टी एक्स एंड टी डब्ल्यू, सॉरी टी सी। ये कंसीडर कर लिया है, और ये लेस देन आर इक्वल टू आना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू किससे आना चाहिए, अल्फा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी, ऐसे ही होगा ना, ओके। तो ये कॉन्ट्रैक्शन अगर हम प्रूव कर जाते हैं, तो हम साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल है
यहाँ अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे लाजमी तौर पे एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वो हम ट्रेस भी कर लिया करें। क्लियर? तो अब इसने ये देख लें इसको, जी बेटा मेरी आवाज आप सब लोगों तक आ रही है? तो बात कर रहे थे हम लीनियर सिस्टम पे जो है कॉन्ट्रैक्शन डिफाइन करवानी है हमने आर एन पे। आर एन के सारे कंपोनेंट्स आपको पता है लीनियर फॉर्म में पड़े होते हैं, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन, वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई एन, एक्स आई वन एक्स आई टू एक्स आई थ्री एक्स आई एन। तो ये सारे जो हैं तो इस तरह से उसने आप देख सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्शन जो है ना प्रूव कर दिया। ये देखिए मैट्रिक के फार्मूलाज लगा के दो एलिमेंट्स के दरमियान इसने लीव है स्टार्ट की है, और आप देख सकते हैं इज लेस देन आर इक्वल टू दिस वन। और अगर हम इसका नाम अल्फा रख दें कांस्टेंट का, ये कॉन्स्टेंट्स का समीशन भी कोई कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और इस पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि इसको लेस देन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए इस कॉन्स्टेंट को, तो तब हम जाके कहेंगे कि ये जो है ना अंडर व्हाट कंडीशंस, हमने कहा था ना अंडर व्हाट कंडीशंस दिस मैपिंग कैन बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो कंडीशन क्या है जी, कंडीशन यही है ये जो हम जिसको अल्फा का नाम दे रहे हैं वो अल्फा हमने कहा था कि लेस देन वन होना चाहिए तभी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होगी। तो ये देखिएगा उसने कहा होगा कि ये लेस देन वन रखेंगे तो तब जाके आप इस पे बना फिक्स पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम 5.21 ये आप कर लेंगे लीनियर इक्वेशंस पे लगा हुए, बल्कि इसका प्रूफ तो नहीं है, बस इसको जस्ट दिखाया गया है कि आप इसको अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस पर। ठीक है, तो कंसीडर वही करने हैं आपने, आर एन के एलिमेंट्स कंसीडर करने और उन पर अप्लाई कर देना बना फिक्स पॉइंट थ्योरम। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ अगर हम चलें, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशंस की अगर बात शुरू करें हम तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उसने, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कुछ आज की इस आखिरी लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटेग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं, ये सारा कुछ तो हमने डिस्कस किया हुआ है डीपली। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जिस पे इनिशियल कंडीशन इम्पोज कर दी जाए उसे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते थे। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इनिशियल कंडीशन दे दी जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, इनिशियल कंडीशन लगा दी जाए तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और ये आपने उसकी जो है काफ़ी सारे मेथड्स किए थे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे इसकी एप्लीकेशंस को दिखाया गया, जो भी इसके मेथड्स थे पिकर्ड मेथड एक ही मेथड उसको उसने उस पर लगाया। ये थ्योरम आप कर लेंगे, थ्योरम फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस बना फिक्स पॉइंट थ्योरम उसने लगाया हुआ है फॉर
differential equations. Now we shall move towards the integral equation. सबसे पहले तो एक इसका छोटा सा introduction हम करेंगे कि integral equations क्या होती है. जल्दी से मुझे कोई स्टूडेंट by raising hand बताएगा कि what was integral equation या इस तरह की कोई बात आपने अभी तक सुनी है या नहीं. जी इंटेग्रल इक्वेशन कोई भी स्टूडेंट बता दे कि ये पढ़ा हुआ है कहीं नाम सुना हुआ है इंटेग्रल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हमने बड़ा अच्छी तरह इसको कोर्सेज भी पढ़े हुए हैं. जी नॉर्म्स सर एन इक्वेशन कंटेन इन इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन. सर ये डेफिनेट भी हो सकती है इनडेफिनेट भी हो सकती है. नहीं यहाँ आपने एमएससी में बीएससी में कहीं पे ये इसका कोई डिस्कशन की हो कहीं पे डिस्कस हो इंटीग्रल इक्वेशंस का है सर कुछ बीएससी में इसको पढ़ा तो था सर. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सही है ना हमने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ना है हमारा ये इसी वीक का लेक्चर है वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन उसमें ही हमने ऐसी इक्वेशन पढ़नी है. ओके राइट हाँ मैथमेटिकल मेथड्स में ये हैं टॉपिक्स हैं इसको फोर्थ सेमेस्टर में बड़ा इसको डीपली स्टडी करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स टू में. वन में भी शायद इसका कोई इंट्रोडक्शन टाइप हो. तो आज हमारा भी यही टॉपिक है कि इंटीग्रल इक्वेशंस क्या होती हैं और उनको डेफिनेटली इंटीग्रल इक्वेशंस है तो इक्वेशन जब भी नाम इक्वेशन का आता है तो उसमें अननोन छुपे होते हैं उन अननोन के आंसर्स को ढूंढना उसका सलूशन कहलाता है. तो इसी तरह इनको सॉल्व करना हुआ करेगा हमें इंटीग्रल इक्वेशंस को और देखते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या. कहते हैं कि अगर आप इसको इस तरह से लिख देते हैं ना जो भी रख लें उससे कोई इतना इश्यू नहीं बनेगा. v of t वही लिख लेते हैं जो आपकी इस बुक में लिखा हो v of t is equal to x of t minus
इस तरह की फॉर्म हुआ करेगी, v ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t माइनस u म्यू। यहाँ से अगर आप बुक वाला ही देख लें, बुक वाला आपको इजीली और क्लियर नजर आ जाएगा। इस तरह की फॉर्म हुई। जो अननोन है वो उसमें इंटेग्रल अंडर द इंटेग्रल साइन अपीयर हो तो उसको हम कहते हैं इंटेग्रल इक्वेशन। इसमें क्या क्या है, v क्या है, u क्या है, k क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। जी कहते हैं इज कॉल्ड अ फ्रेडहोम इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। हियर a b इज a given interval, x is a function on AB which is known, ये given function है, mu is a parameter, ये कोई भी given constant या parameter कुछ भी हो सकता है mu, the kernel k of the equation is a given function, ये भी given function हुआ करेगा। तो फिर हमने find क्या करने हैं, अभी सारे given function है तो यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कि इसमें अननोन का नाम उसने U ही रखना था, जबकि G क्या है, A क्रॉस AB इंटरवल क्रॉस AB इंटरवल, तो वही रेक्टेंगल बना करेगी, रेक्टेंगल है, स्क्वायर भी हो सकते हैं, एंड V इज अ गिवन फंक्शन ऑन A, ठीक है, ये हमारे पास है। और अगर इसमें v of t राइट हैंड साइड अगर हो जाती है जीरो या x of t जीरो हो जाता है, इसने कुछ अजीब तरह से इसको डिफाइन करवाया, जबकि डिफाइन इसको किसी और तरीके से करवाना चाहिए था। चले हम इसको क्लियर फॉर्म में लिख लेते हैं दोबारा से। अगर हम v of t को कर लें, ये इंटेग्रल जो है जो माइनस हो रहा है इसको राइट साइड पे ले जाए तो ये प्लस हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से करने की कोशिश करते हैं। x of t माइनस म्यू, नहीं इस तरह से हो नहीं सकेगा, चलें खैर, इसमें x of t जो है अननोन है, ये वाला जो है ये एक अननोन फंक्शन है, जैसा कि हमने पहले बात की कि अननोन फंक्शन अगर अंडर द इंटेग्रल साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो, ये हमने ट्रेस करना हुआ करेगा, इसको फाइंड करना इसका सलूशन कहलाएगा। अननोन फंक्शन को ढूंढना इंटेग्रल इक्वेशन का सलूशन कहलाएगा। अब अननोन फंक्शन इक्वेशन के अंदर भी है, टू टाइम्स है, एक बार तो इक्वेशन के अंदर है एक्स ऑफ टी के नाम से और इंटेग्रल साइन के अंदर भी है एक्स ऑफ टाउ के नाम से। आपको पता है डेफिनेट इंटेग्रल में उसकी जो है डेफिनेट इंटेग्रल में उसकी लिमिट्स डेफिनेट इंटेग्रल में, तो इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह की जो इंटेग्रल इक्वेशन होगी जिसमें अननोन जो है अंडर द इंटेग्रल साइन अपीयर हो रहा होगा
उसकी जो लिमिट्स होंगी वो फिक्स्ड होंगी, ये फिक्स्ड होंगी, ये वाली लिमिट्स जो है फिक्स्ड हों, फिक्स लिमिट हो अपर और लोअर, और इसको जो है इसका कर्नल कहा जाएगा। अननोन के साथ जो जो भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसको क्या करेंगे, कर्नल ऑफ द, ये कर्नल मैपिंग वाला नहीं है, इसका नाम है वैसे ही कर्नल ऑफ द इक्वेशन, इंटेग्रल इक्वेशन का कर्नल होता है, ठीक है। तो ये जो v ऑफ t जो होगा ये गिवन हुआ करेगा इस तरह से, कि अगर ये गिवन फंक्शन हुआ करेगा, लिमिट्स फिक्स्ड हैं तो समझ जाइए कि फ्रेडहोम है, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ऑफ द सेकंड काइंड है, और अगर जो है x ऑफ t जो है जो अननोन फंक्शन है वो जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये कौन सी है, फर्स्ट काइंड की, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बात हो रही है अब फंक्शंस की, कंटिन्यूस फंक्शंस की, और उसने कर्नल को भी फंक्शन कहा हुआ है, u x of t को भी फंक्शन कहा हुआ है, न्यू एक कांस्टेंट है और ये भी इंटरवल है, इस पे जाहिर सी बात है अब हमने डिफाइन करवानी है एक कॉन्ट्रैक्शन, तो इस पे वो किसी ना किसी तरह से आप देखें कॉन्ट्रैक्शन डिफाइन करवा देगा। तो फर्स्ट काइंड में जस्ट क्या होगा, फर्स्ट काइंड में जो x of t है ये आप देख सकते हैं x of t जो है वो जीरो अगर करते हैं फर्स्ट काइंड बन जाती है, ये उसने बताया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ द टर्म x of t, द प्रेजेंस ऑफ द टर्म x of t enables us to apply iteration as theorem 5.41 shows. An equation without that term is of the form. उसी में अगर वो हम डिलीट करते हैं x of t को जीरो करते हैं, ये फर्स्ट काइंड की फ्रेडहोम बन जाती है। फ्रेडहोम क्योंकि ये डिफाइन उसने करवाई थी मैथमेटिशियन ने फ्रेडहोम ने, तो उसी के नाम पे इनके नाम रख दिए गए फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन। इसी तरह अगर उसकी इंटेग्रल की लिमिट्स को वेरिएबल कर दिया जाए, किसी एक लिमिट को, अपर लिमिट को या किसी लोअर लिमिट को, तो उनका नाम सेम उसी तरह बदल कर वोल्ट्रा रख दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं वोल्ट्रा इंटेग्रल इक्वेशन, वोल्ट्रा इंटेग्रल अगर आप इसको गौर से देखें तो ये देखिएगा सेम वही इक्वेशन है, जस्ट 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 यहाँ पे ये जो टी है ये लिमिट वेरिएबल है, यहाँ पे वहाँ पे फ्रेडहोम में बी था फिक्स्ड लिमिट थी, और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है वेरिएबल लिमिट है, यहाँ पे बताया भी गया है, नीचे आप देख भी सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन फ्रेडहोम एंड वोल्ट्रा 1 and 7 इज दैट इन 1 द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज कॉन्स्टेंट, वेयर एज here in 7 equation it is a variable, this is essential, in fact without any restriction on u we now get the following existence and uniqueness theorem. to voltra kaun si limits leke chalta hai uski integration ki variable limits, aur wo bhi upper limit ya lower limit uski variable ho jaye to hum usko वोल्ट्रा इंटेग्रल इक्वेशन कहेंगे। और इसी तरह अगर x x of t
कुछ है तो उसे हम कहेंगे सेकंड काइंड अगर मौजूद है, और अगर x ऑफ t जीरो है तो हम उसे कहेंगे वोल्टर इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। ये तो थी इनकी डेफिनेशंस। चार टाइप्स हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, वोल्टरा फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, और जो है फ्रेडहोम फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड। अब इस पे काफी सारे मेथड्स आप डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल मेथड्स टू में, फोर्थ सेमेस्टर में पूरा एक कोर्स का मतलब हाफ पार्ट होगा जिसमें आप इन चारों इक्वेशंस को, चारों इंटेग्रल इक्वेशंस को डिफरेंट मेथड्स के जरिए सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड्स भी होंगे, एनालिटिक मेथड्स भी होंगे। तो लेकिन हमारा जो आज का यहाँ पे टॉपिक है, हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है बाना फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, जो कि वो भी एक सोल्यूशन फाइंडिंग मेथड है, एक यूनिक, जैसा कि हमने बात की, यूनिक और फिक्स्ड पॉइंट क्या देता था, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस देता था सोल्यूशन की, होता वो भी सोल्यूशन ही था, उसको सेटिस्फाई कर रहा होता था। तो हम पहले फ्रेडहोम पे डिफाइन करवाएंगे एक मैपिंग, फ्रेडहोम के जो फंक्शंस हैं वो कहाँ से लिए जाएंगे, सीएबी से, जैसा कि हमने डिस्कशन की सीएबी एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और उसके अंदर कंटीन्यूअस फंक्शन पड़े हुए हैं जो कि डिफाइंड है एबी पर। तो सी ए बी से सी ए बी तक हम एक लगाएंगे कॉन्ट्रेक्शन और हम कह देंगे जी इस पे हम ये देखें, ये सी ए बी के दो एलिमेंट्स हैं, दोनों सी ए बी के दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे जी, दोनों के दोनों फंक्शन होंगे। ये सी ए बी की बातें हो रही हैं, सी ए बी स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, इफ एक्स बिलोंगिंग टू सी ए बी एक्स इज ऑल्सो फंक्शन, if y belonging to CAB, y is also a continuous function defined on AB, and the distance between two continuous function is measured as maximum of the x of t minus y of t. x of t or y of t का difference लेते जाएं, values का difference, images का difference लेते जाएं, हर t पे t देते जाएं, points calculate करते जाएं और उनका डिफरेंस लेते जाएं, उनका मॉडुलस लेते जाएं, उनमें से जो मैक्सिमम आएगा वो डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस होगा, यानी कि फंक्शनल वैल्यूज का मैक्सिमम डिफरेंस का मॉडुलस लेंगे तो वो कहलाएगा, जैसा कि हमने पहले बात की कि एक्स ऑफ टी का होना जरूरी है। सेकेंड काइंड पे हम अप्लाई करेंगे वोल्ट फ्रेडहोम सेकेंड काइंड पे, तो ये देखिएगा एक उसने कंट्रैक्शन डिफाइन करवाई, मैपिंग डिफाइन करवाई है, सॉरी टी फ्रॉम सी ए बी टू सी ए, मैं इसको जरा स्पीड से कर रहा हूँ, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, टी फ्रॉम सी ए बी टू सी ए डिफाइन करवा दी है, V and K are continuous, formula 4 defines an operator. तो इस तरह से उसने ये define करवा दिया। आप देख भी सकते हैं जब इसको हम solve करेंगे बेटा तो answer x of t आएगा ना, x of t c a b का ही कोई element आएगा, तो कहते हैं 4 जो है एक formula कोई define करवा दिया। तो अब हमने प्रूव करना है इसको, क्योंकि हम बना फिक्स पॉइंट थ्योरम लगाना चाहते हैं इस पे, तो हम वही काम शुरू कर देंगे जी। किस तरह से, इमेजेस पे लगाएंगे मैट्रिक का फार्मूला, ये मैट्रिक का फार्मूला है जी, और ये ऑपरेटर का फार्मूला है, टी जिस पे लगेगा उसको इंटेग्रल में कन्वर्ट कर देगा, जिस पे भी टी लगेगा, टी एक्स पे लगेगा तो ये आंसर देगा, टी वाई पे लगेगा तो ये आंसर दे देगा, दोनों में से कर्नल कॉमन आ जाएगा, कर्नल को साइड पे हटा लेंगे, म्यू भी साइड पे हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें इसने कर करेंगे इसको कॉन्ट्रैक्शन बना ही देना है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन पे ही मान लेना
बनाओ फिक्स पॉइंट चैप्टर नंबर 5 में सबसे इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो कॉन्ट्रैक्शन ही है। तो कॉन्ट्रैक्शन को समझना समझने से आपका सारा जो है ना इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बना दिया, वी सी दैट टी बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्शन इफ अल्फा इज we see that t becomes a contraction since alpha जिसका भी उसने नाम रखा है अल्फा अल्फा रख दिया और कहते हैं म्यू जो है वो इससे लेस होना चाहिए। बनास फिक्स पॉइंट थ्योरम 5.312 नाउ गिव्स कहते हैं अब लगाया जा सकता है आप इस पे बनास फिक्स पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। लगाने के बाद नया थ्योरम बनेगा वो क्या कह रहे हैं जी उसको भी स्टडी करते हैं। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन पे किस तरह से बना फिक्स पॉइंट थ्योरम आपने ऑपरेट करना है अप्लाई करना जी। ये हमारे पास इसकी जस्ट आप स्टेटमेंट्स को देखेंगे कि किस तरह से हमने अप्लाई करना है। सपोज के कर्नल एंड वी गिवन फंक्शन बी कंटीन्यूअस। पहली शर्त क्या है जो कर्नल है इंटीग्रल के अंदर उसको कंटीन्यूअस होना चाहिए और जो वी फंक्शन गिवन फंक्शन है उसको भी कंटीन्यूअस होना चाहिए। वो हम शक्ल देखते ही बता सकते हैं। अब चूंकि हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं फोर्थ में जाने वाले हैं फंक्शन को देखते ही डोमेन को देखते ही बता देंगे कि कंटिन्यूस है या नहीं। फंक्शन जो है दोनों कर्नल और वो जो इंटीग्रल इक्वेशन के कर्नल और गिवन फंक्शन दोनों को कंटिन्यूस होना चाहिए और कहते हैं रिस्पेक्टिवली एंड अज्यूम दैट म्यू सेटिस्फाइज द फाइव वही कि म्यू किस तरह का हो म्यू इस तरह का हो म्यू ये वाली इक्वेशन को सॉरी इनइक्वालिटी को क्या कर रहा हूँ सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ठीक है म्यू किसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ इस इनइक्वालिटी को। तो तब कहता है फिर क्या होगा देन वन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एक्स ऑन जे कहता है फिर कंफर्म है कि इस इंटीग्रल इक्वेशन का फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दिस फंक्शन एक्स इज द लिमिट ऑफ द आइटरेटिव सीक्वेंस वेयर एक्स नॉट इज एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन जे और इस तरह की आइट्रेशन बना करेगी। और आप देखेंगे भी इसको फोर्थ सेमेस्टर में ये मेथड यहीं से उसने अडॉप्ट किया बना फिक्स पॉइंट पे। तो फ्रेडहोम्स फेमस थ्योरी ऑफ इंटीग्रल इक्वेशंस विल बी डिस्कस्ड इन चैप्टर 4 कैसा चैप्टर 4 में भी आप इसको करेंगे। अच्छा वी नाउ कंसीडर द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड है। सेकंड काइंड है तो x ऑफ t एग्जिस्ट करता है मौजूद है जीरो नहीं है तो उसके लिए भी उसने उसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन बनाना है उसको मैपिंग डिफाइन करवानी है और उसको बनाना है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए उसने मैट्रिक्स स्पेस सी ए बी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस लेनी है सी ए बी और उस पे मैपिंग डिफाइन करवानी। मैपिंग डिफाइन करवाने के बाद वही कर करा के उसने इसको बना लेना है जी कॉन्ट्रैक्शन। दोनों जब चीजें पूरी हो जाएंगी फिर उसने उस पे लगा देना है बना फिक्स पॉइंट थ्योरम। इन थ्योरम्स के आज जो हमने तीनों थ्योरम्स किए हैं के प्रूफ्स तो नहीं है लेकिन स्टेटमेंट्स हैं कि किस तरह से हम कब किस तरह कैसे बना फिक्स पॉइंट थ्योरम इंटीग्रल इक्वेशंस पे लगा सकते हैं किस तरह हम बना फिक्स पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस पर और किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसको लीनियर इक्वेशंस पे। तो लीनियर और डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ हम पहले ही फेमिलियर थे। आज जो हमने इसको देखा है वो है
कि किस तरह से हम इसको लगा सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ सकते हैं। यही हमारा जो है ना आज तक का टॉपिक था, लास्ट टॉपिक था इसका कोर्स आउटलाइन का। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कोर्स आउटलाइन। प्रेजेंटेशंस कोर्स आउटलाइन को कवर करते करते रह गई हैं, उसको फिर हम इंशाल्लाह देखेंगे। तो अब आपके कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में से तो वो पूछ लें, या थ्रू आउट द लेक्चर कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें थ्रू आउट द कोर्स। सॉरी बाय रेजिंग हैंड्स। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कल के लेक्चर के बारे में आपसे क्वेश्चन करना था जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे। जी जी पूछें। सर एक क्वेश्चन था, उसमें tx की वैल्यू दी हुई थी, एक इक्वेशन दी हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि इक्वेशन दी हुई है, आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके बारे में कुछ समझ नहीं आया था। एक इक्वेशन दी हुई थी और अल्फा की वैल्यू, पूरा अगर सॉल्यूशन और पूरा क्वेश्चन सामने हो तो फिर हम उसको देख सकते हैं, जितना का आपने सॉल्व किया हुआ है वो कितना उसको आगे लेके चलें। एक्सरसाइज 5.1 शायद जी, 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट अल्फा। ये तो फाल बड़ा इजी सा सवाल है, इसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन शो करवाना है। ठीक है, इसमें देखें मीट्रिक का फार्मूला कौन सा लेना है आपने? कंप्लीट जी आर वाला लेना है, आर कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है ना आर। जी ये देखें आर, हमें पता है आर कंप्लीट है। ठीक है, और एक सबसेट इसने एक्स लिया है जो कि सबसेट किसका है, आर का ही है, जिसमें कौन से एलिमेंट सिर्फ आपने रखने हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, सारे यानी कि वन से ग्रेटर है। ठीक है सर, इसके वन और टू पॉइंट पे आंसर सेम आता है लेकिन थ्री पे डिफरेंट आता है। वन और टू पे आंसर सेम आता है, थ्री बाय टू लेकिन कोई बात नहीं, पॉइंट नंबर कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। हमने तो ये शो करवाना है फॉर ऑल द एलिमेंट्स इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्शन। इक्वालिटी का भी तो है ना, लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर जी इक्वल टू, इक्वल टू भी आ सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूं मैं? हां अल्फा उन दोनों कोई से दो को, मतलब x और y आप खुद फिक्स कर लें, x और y आप रख लें 3 और 4। ठीक ठीक है, x और y 3 4 रख लें तो उनकी इमेजेस भी ले लें। ठीक है, उनकी इमेजेस लेके d ऑफ x y ढूंढ लें, d ऑफ x y और d ऑफ tx ty। ठीक है, ढूंढ लें और उनको इक्वल रख लें, उनको इक्वल रख लो, इक्वल रख के दो अननोन है। वैसे भी हमने अल्फा का फार्मूला देखा नहीं था, अल्फा इज द रेशियो ऑफ डी टी एक्स टी वाई। किस किस की रेशियो थी अल्फा?
अल्फा में इमेज और प्री इमेज की रेशियो थी। हाँ बस वो रेशियो ढूंढ लें, वही अल्फा होगा। ठीक है सर, अटेंडेंस लगानी थी। अटेंडेंस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अटेंडेंस आंसरिंग क्वेश्चनिंग सेशन में भी मतलब रही है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को बाय नेम अप्रिशिएट करना चाहूँगा आज के सेमेस्टर के एंड पे। उनमें से शुएब असगर हैं, जावेद हाशमी हैं, रिफत बतूल हैं, इरम मजीद हैं, रब नवाज हैं और असमत हैं, असमत बीबी जो ये भी इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, फाहद सिद्दीकी हैं और मानू चौधरी हैं। कोई किसी का नाम मिस हो रहा है तो हैंड रेज कर देना, मैं यहाँ पे लिस्ट से देख देख के बोलता जा रहा हूँ। जो जो बच्चे अच्छा पार्टिसिपेट करते रहे पूरे सेमेस्टर में ऑनलाइन लेक्चर्स में, उसमें साजद रोल नंबर 8 मॉर्निंग से हैं, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। सैरिश शुएब असगर जिसका नाम ही सो जाए, सबसे ज्यादा सीआर जो हमारे उस्मान जकरिया वो भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं दोनों वालों से, पढ़ाई के वाले से भी और क्लास को लेके चलने के वाले से भी। और इसमें से रिफत बतूल जहीर अहमद, हाँ जहीर अहमद ने भी काफी इसमें पार्टिसिपेट किया, खास से दिखी हैं मोहसिन रजा, इस लिस्ट में तो यही स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेट किया है सेमेस्टर में। आई होप के आपको इस सेमेस्टर में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने तो अपनी भरपूर कोशिश की है कि इसको डीपली जो है ना देखा जाए इस कोर्स को, क्योंकि ये कोर्स समझ लिया रिवीजन है हमारे अलजबरा की, हमारी रियल एनालिसिस की, हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो फिर भी कोई ना कोई रह जाती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह इसको ज़रूर सीखेंगे मैथमेटिक्स को। हाँ ये एक बीपी ताहर हैं 20 इवनिंग, इन्होंने भी हिस्सा लिया, सीता कोमल भी रही हैं, फरक यूसफ भी कभी कभी आते रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर करने, मोहम्मद अजमल चले। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसी तरह पेपर में भी अच्छा जो है ना अपनी इनपुट डालेंगे, फ्यूचर के लिए भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी नई ख्वाहिशात अपनी।